चाहूंगी। तो गाइस आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ पे वीडियो लेके आई हूँ। आप सभी लोगों ने मेरे से बहुत ज्यादा बोला था कि दीदी प्लीज हमारे ज्वेलरी रॉ मटेरियल की वीडियो लेके आइए, आप ज्वेलरी रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदते हो, किस प्राइस में खरीदते हो। तो आप सभी लोगों के इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करना ना भूलेगा। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैं सामान कहाँ से खरीदती हूँ। तो गाइस मैं किसी एक मार्केट से सामान नहीं खरीदती, मैं यहाँ पे हमेशा दो तीन जगह से सामान खरीदती हूँ। तो सबसे पहले मेन मार्केट जो है जहाँ से मैं सामान खरीदती हूँ वो है चांदनी चौक की मार्केट। चांदनी चौक मार्केट में हमारी एक मार्केट है छोटी सी जो है किनारी मार्केट। किनारी मार्केट में आपको कोई भी डेकोरेशन का सामान, ज्वेलरी रॉ मटेरियल का सामान, या फिर आपको राखी का सामान, या फिर आपको कोई भी अदर सामान चाहिए वो इजीली अवेलेबल होता है। ये मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है इसीलिए आपको एक्सप्लोर करने में टाइम लग सकता है। मैं अपना सामान मोस्टली सामान यहीं से खरीदती हूँ। एंड दूसरी मार्केट है मेरी सीलमपुर मार्केट जो कि लगती है थर्सडे के दिन। यहाँ पे मेरे को ज्यादातर बीड्स वगैरह लेने होते हैं तो मैं बीड्स यहाँ से लेती हूँ। और अगर जैसे कोई सामान जैसे दोनों ही मार्केट में नहीं मिलता तो मेरे घर के पास एक जगह है, मैं वहां से जाकर उसको ले लेती हूँ। और काफी सारा सामान ऐसा भी है जो मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। मोस्टली मैं चीजें ऑनलाइन लेना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि ऑनलाइन एक तो बहुत ज्यादा हाई प्राइस होता है एंड दूसरा उसकी जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। क्योंकि हम लोग यहाँ से ऑफलाइन खरीदते हैं तो हमें पता होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इसीलिए मैं बहुत ही कम ऑनलाइन प्रोडक्ट लेती हूँ। लेकिन दो तीन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैंने ऑनलाइन खरीदे थे क्योंकि वो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं थे मेरे पास। इसीलिए अगर आप लोगों को उनका लिंक चाहिएगा तो मैं आप लोगों को नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड अगर आप कुछ परचेज करना है तो आप जाके परचेज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने मुझसे काफी बार पूछा कि दीदी आप क्या सामान भी सेल करते हो, हाँ तो मैं ये सामान भी सेल करती हूँ। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी सामान चाहिए हो किसी भी रीजनेबल प्राइस पे तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको वहां से आपकी सारी डिटेल बता दूंगी। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे वन बाय वन करके आपको सारे प्रोडक्ट दिखाऊंगी और उनका जो भी प्राइस है, जिस प्राइस पे मैंने उसे खरीदा है वो यहाँ पे बताऊंगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे कुंडन स्टोन्स को देखेंगे। मैंने यहाँ पे ये चार तरीके के कुंडन लिए थे, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो। इन कुंडन स्टोन्स में आपको अलग अलग शेप भी मिलती है। मेरे पास यहाँ पे फिलहाल ये चार शेप की है। ये जो शेप्स है मैंने अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग ली है। एंड ये मेरे को जो पैकेट है ये 100 ग्राम्स का वन पैकेट है जो कि मुझे 200 का एक पैकेट पड़ा था। टोटल ये चार पैकेट मुझे 800 के पड़े थे। ये मुझे यहाँ से काफी सस्ते पड़े हैं क्योंकि अगर मैं अपनी नॉर्मल मार्केट से लेती हूँ तो मुझे ये 40 रुपीज के 20 ग्राम या फिर 10 ग्राम मिलते हैं। इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे इसका प्राइस सही लगा इसलिए मैंने यहाँ पे ये ले लिए। मैंने यहाँ पे लिया था ये बीड्स का पैकेट, ये हाफ के जी का पैकेट है जो कि मुझे पड़ा है 200 रुपीज का। ये इसमें आपको अलग अलग साइजेस के बीड्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे दो साइज के बीड्स लिए थे, एक तो मैंने ये वाला बीड का साइज लिया है एंड दूसरा मैंने लिया है थोड़े बड़े साइज का, ये भी मेरे को 200 का पड़ा था। ये भी मैंने थोड़ा बार्गेन करके लिया था, वो लोग मुझे 250 का बता रहे थे लेकिन मैंने 200 के अंदर लिया है। नेक्स्ट गाइस मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये पे हेड पिन, ये मुझे मिला है 70 रुपीज का एक पैकेट। अगर आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं इसी प्राइस में, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी मेंशन कर दूंगी। एंड एक मैंने ये पैकेट लिया था, एक मैंने यहाँ पे लिया है ये हेड पिन का पैकेट, ये मैंने सिल्वर कलर में लिया है। इसमें दो कलर अवेलेबल होते हैं, गोल्डन एंड सिल्वर। नेक्स्ट ये मेरे पास ये है, मुझे यहाँ पे ये लटकन की तरह यूज होते हैं। मैंने यहाँ पे ये लिया था, ये मुझे पड़ा था 250 का पड़ा था मुझे। नेक्स्ट मैंने अगर आप जैसे आप लोगों के पास अगर ये ना हो तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये वायर्स भी आते हैं जिसको हम यहाँ पे मिड में से कट करके इसमें बीड्स को डाल के इसको राउंड करते हैं तो हमारा एक ऐसा राउंड तैयार हो जाता है। ये मुझे पड़ा था 200 का एंड ये मुझे पड़ा था 250 का, इसलिए मैंने ये दोनों को ले लिया। मेरे ये चिप खत्म हो जाएंगे तो मैं इनका यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट गाइस मैंने यहाँ पे खरीदे थे मिरर की शेप्स। मैंने यहाँ पे दो ही मिरर की शेप्स खरीदी थी क्योंकि मेरे पास कुछ पहले से ही ऑलरेडी थी। तो ये भी मुझे 70 रुपीज का पर पैकेट पड़ा है। जो भी मैंने ये पैकेट वाले सामान है ऐसे मिरर वाले वाले सब मुझे 70 रुपीज के पड़े हैं। नेक्स्ट गाइस मैंने ली थी यहाँ पे ये चेन ली थी, मैंने ये दो कलर में ली है, गोल्डन में एंड सिल्वर में। एंड ये दोनों ही पैकेट मुझे 200 के पड़े थे। इनकी क्वालिटी चेन की थोड़ी हैवी है इसलिए मुझे थोड़ी कॉस्टली पड़े थे। इसमें एक थोड़ा हल्के रेंज में भी था लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं थी और इसका थोड़ा वारंटी भी है कि ये ब्लैक नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने फिर इनको यहाँ पे दोनों पैकेट को ले लिया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं ये इयररिंग्स के लॉक्स जो कि हम यहाँ पे जब इयररिंग्स बनाते हैं उनमें डाल सकते हैं। ये भी मुझे 70 रुपीज का पर पैकेट पड़ा था।
नेकलेस मैंने यहाँ पे ये गिरी खरीदी थी एंड यहाँ पे मैंने ये गोल्डन बॉल्स खरीदी थी, ये भी मुझे 70 रुपीज का पर पैकेट मिला था। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये लॉक से लिए थे, ये मैंने यहाँ पे लिए हैं, मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाऊंगी तो उसमें मैं इनका यूज करूंगी। उन्हें इनका यूज करके मैं यहाँ पे एक पैच बनाने की कोशिश करूंगी जिससे कि उनकी ड्रेस बहुत सुंदर लग सके। अगर आपको ड्रेस का भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे ये ऑलरेडी बनी हुई हैंगिंग थी, ये भी मुझे 70 रुपीज का पैकेट मिला है। ये ज्यादा थी बट मैंने थोड़ा सा इनमें से यूज भी कर लिया इसलिए आपको क्वांटिटी जो है इसकी कम लग रही होगी, लेकिन ये अच्छी क्वांटिटी में मिली थी मुझे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे हाफ शेव कट के ये बीड्स लिए थे, ये भी मुझे 70 रुपीज का पैकेट पड़ा था। एंड यहाँ पे मैंने ये ट्रांसपेरेंट एंड मल्टी कलर वाले ये स्टोन्स लिए हैं, ये भी मुझे 70 रुपीज का पर पैकेट था। पर मुझे 70 रुपीज के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम लगी और क्वांटिटी भी इसकी थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट गाइस मैंने यहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी बनाने के लिए मैं आपको सिल्वर स्टोन्स और सिल्वर बीड्स लेके आई थी, ये भी मुझे 70 रुपीज के पर पैकेट मिले थे। इनकी क्वालिटी गाइस मैं यहाँ पे ये कुछ गोल्डन में बीड्स लेके आई थी, ये मैं यहाँ पे ज्वेलरी में यूज कर सकती हूँ। ये मुझे खरीदे हुए काफी टाइम हो गया, मैंने अब तक इनको यूज नहीं किया है। इससे मैंने यहाँ पे ये बीड्स की माला ली है, ये बनी बनाई माला है, मुझे ये पड़ी थी 150 रुपीज की। इसमें मेरे को यहाँ पे 10 पीसेज मिले हैं, एक जो है वो काफी लंबी है, ये देखिए ये मुझे 150 का मिला है। नेक्स्ट क्या मेरे पास यहाँ पे मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाए थे, ये मेरे को ईयर स्टड्स हैं जो कि मैं अपने इयर रिंग्स के बैक साइड पे लगाती हूँ। ये मुझे इसका प्राइस तो पता नहीं लेकिन मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड इनके साथ साथ मुझे यहाँ पे इसके लिए ये रबड़ भी मिली थी लगाने के लिए। नेक्स्ट गाइस मैं यहाँ पे लेके आई हूँ ये छोटे छोटे बीड्स, ये मैंने काफी अलग अलग कलर में लिए थे, अलग अलग शेप में लिए थे, आप देख सकते हैं मैं वन बाय वन करके आपको सारे यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये देखिए ये मेरे पास कुछ पहले से भी अवेलेबल थे और कुछ मैंने नए लिए हैं। ये यहाँ पे मैंने ब्लू कलर के सीक्वेंस भी लिए थे, सीक्वेंस मेरे पास ज्यादा नहीं है, बस 2-3 कलर में ही अवेलेबल है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ स्टोन्स लिए हैं, ये छोटे छोटे स्टोन्स हैं सर्कुलर में, ये देखिए। मुझे यहाँ पे ये लंबे वाले स्टोन्स भी चाहिए थे पर वो मुझे मिल नहीं पा रहे हैं, जैसे वो मुझे मिलेंगे मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये स्टोन जो है ये मुझे यहाँ पे 30 रुपीज का पर पैकेट पड़ा था। नेक्स्ट गाइस मैंने यहाँ पे लिए थे ये बीड्स, ये मेरे पे थोड़े शाइन वाले और थोड़े पॉलिश्ड वाले बीड्स हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो नॉर्मल बीड से अच्छी है। तो ये जो बीड्स थे मुझे पड़े थे 50 रुपीज का पर पैकेट एंड मेरे पास ये काफी ज्यादा अलग अलग कलर्स में अवेलेबल हैं। मैंने ये अलग अलग कलर में खरीद लिए थे क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे एंड इनकी क्वालिटी भी मुझे यहाँ पे अच्छी लगी थी। ये देखिए आप देख सकते हैं वहाँ पे और भी कलर अवेलेबल थे पर मुझे जो कलर पसंद आए थे मैंने वही लिए थे। नेक्स्ट गाइस मेरे पास ये प्लेन बीड्स भी हैं, ये देखिए ये भी मेरे पास काफी अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, ये देखिए ये रेड हैं, ये जो बीड्स हैं ये मेरे को पड़े थे 30 रुपीज के पर पैकेट। ये प्लेन बीड्स हैं, इनमें कोई भी मतलब डिजाइन नहीं है या कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट गाइस एंड में मेरे पास कुछ ये सामान बचा है, देखिए ये सिल्वर स्क्वेंस हैं, ये वाले जो बीड्स हैं ये बीड्स मुझे थोड़े से महंगे मिले थे, ये मुझे 80 या 90 रुपीज का पैकेट था मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट मैंने सेम इसी में कुछ इस तरीके के ये बीड्स लिए हैं, ये छोटे छोटे से, ये देखिए अलग अलग कलर के। ये मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर के कावरे शहर लोगों को यहाँ पे कुछ सामान दिखाते हुए जो मेरे पास पहले से अवेलेबल था, ये देखिए ये मेरे पास कुछ जंप रिंग्स हैं जो ये मैंने पहले खरीदी, ये भी मुझे 70 रुपीज का पैकेट मिला था। ये मैंने दो साइज में खरीदी थी, एक ये बड़ा वाला साइज है एंड एक ये छोटा वाला साइज है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे कुछ बीड्स हैं जो पहले से ही अवेलेबल थे जो मैंने अभी नहीं खरीदे हैं रिसेंटली। नेक्स्ट गाइस मेरे पास ये बॉक्स है जिसमें अपना कुंदसाम का सामान रखती हूँ और ये मेरे पास कुछ अलग अलग शेप के बीड्स और कुछ सीक्वेंस वगैरह हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे इनमें अरेंज नहीं किया है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि मेरे पास काफी मिरर के शेप्स पहले से अवेलेबल हैं, ये देखिए ये मिरर की शेप्स हैं। और यहाँ पे मेरे पास ये बहुत कुछ बीड्स हैं, यहाँ पे इस वाले में मैंने अपने सारे बीड्स ही अरेंज करे हैं, ये देखिए अलग अलग बीड्स हैं एंड कुछ 2-3 मेरे पास यहाँ पे सीक्वेंस भी हैं। गाइस ये बॉक्स मैंने खुद बनाया है, मेरे पास एक्चुअली जो बॉक्स था वो खत्म हो गया था स्पेस, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बॉक्स बनाया है। ये पूरा प्लेन बॉक्स था जिसपे मैंने पार्टीशन कर दिया है, इसमें मैंने अभी सामान अरेंज नहीं किया है, कुछ सामान है जो मैंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है वो आप देख सकते हैं, ये देखिए। नेक्स्ट गाइस मेरे पास ये आप लोगों ने देखा होगा मैं ये राइनस्टोन चेन यूज करती हूँ, ये राइनस्टोन चेन जो है मैंने यहाँ पे इसका पूरा रोल लिया था जो कि मुझे 100 मीटर में मिला था
और वो रोल मुझे पड़ा था 1000 रुपीज का, मैंने वो एक साथ ही खरीदा था इसलिए मुझे थोड़ा सस्ता पड़ गया था। नहीं तो आपको ये जो राइनस्टोन चेन है 40 रुपीज या 30 रुपीज मीटर पर मिलती है। नहीं, जहाँ से मैंने ये सामान खरीदा था वहीं से मुझे यहाँ पे ये 2700 की ग्लू मिली थी, ये मुझे 100 रुपीज की मिली थी। वैसे तो ऑनलाइन ये मुझे थोड़ी महंगी मिल रही थी, बट मैं अगर गई थी तो मुझे ये पसंद आ गई तो इसलिए मैंने ये ले लिया। बट मैं मोस्टली यहाँ पे फेविबॉन्ड यूज करती हूँ, मुझे एक्चुअली ये ना थोड़ा सूखने में ज्यादा टाइम लेता है, फेविबॉन्ड जो है वो साथ के साथ सूख जाता है, मैं इसलिए फेविबॉन्ड ज्यादा प्रेफर करती हूँ। नेक्स्ट गाइस, मेरे पास ये गोल्डन वायर थी, ये देखिए आप देख सकते हैं ये जो गोल्डन वायर है ये मैंने अभी नहीं खरीदी, इसको खरीदे हुए 6-7 साल हो गए हैं। ये एक्चुअली मैंने अपने लहंगा डिजाइन किया था, उस लहंगे के एम्ब्रॉयडरी के लिए यहाँ वहाँ पे ये यूज हुई थी, मेरे पास बची हुई थी इसलिए मैं इसको अब यूज करती रहती हूँ। एंड अगर आपको आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच या फिर कोई भी आउटफिट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए भी मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। एंड नेक्स्ट गाइस, मैंने मीशो से यहाँ पे ये एलिगेटर पिंस खरीदी थी, ये देखिए आप देख सकते हो, इसका प्राइस मुझे याद नहीं, ये भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बता दूंगी कि मैंने यहाँ से कितने का लिया था और लिंक भी वहाँ पे मेंशन कर दूंगी।